2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी 324 सीटें जीती पूरे प्रदेश में, और बहराइच जिला के अंदर भी 7 में से 6 सीट हम भारतीय जनता पार्टी ने जीता। मैं बलहा विधानसभा से काफ़ी लगभग 47,000 मतों से मैं विजयी हुआ था। पार्टी ने 2019 में मुझे सांसद का प्रत्याशी बनाया, और सांसद का जो चुनाव था सांसदी का, आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन उसके बाद भी जितना वोट हमें 17 में मिला था विधानसभा के, उससे ज़्यादा वोट 2019 के लोकसभा में मिला, उन सारे दलों के मिल जाने के बाद भी। और ये जो चुनाव हो रहा है मेरे सांसद चुने जाने के बाद, मेरे त्याग पत्र के बाद, इसमें भी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी का जो विकास का हम लोगों ने गति दिया है, पूरे धारा बही है विकास की, उसके अनुसार देखते हुए यह जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। क्या मानते हैं आपके विरोधी इसमें आपके पास होंगे? देखिए, विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं अभी, उनके पास जैसे एक दिन अभी कौन टीवी एबीपीपी टीवी के लोग आए हुए थे, वहां पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि विकास की बात किया। एक सज्जन ने कहा कि अखिलेश यादव के समय में विकास हुआ। हमने कहा अखिलेश यादव के समय में ही विकास हुआ था कि जो 2014 में जो विधायक चुने गए बंसीधर भौद, वो अपने घर की सड़क नहीं बनवा पाए, उनके घर जाने वाली सड़क को मैंने बनवाया विधायक होने के बाद, ये उनका गुथा। और हमारा ये कि लगभग 262 किलोमीटर सड़क इस विधानसभा के अंदर रिपेयरिंग और नहीं बनी है।